गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, हाँ गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आवाज सुन रहे हैं मेरी आप लोग? यस सर, यस सर, इन प्रीवियस क्लासेज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज व्हिच आर ऑफ फोर टाइप, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड वन वाज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, depression in freezing point and osmotic pressure, in which we have studied that the molecular weight of the solute can be calculated by using the colligative properties. ठीक है? Now, what will be the necessary condition for getting accurate molecular mass of the solute by the process of colligative property? Sir. हाँ बोलिए. बस slide नहीं दिख रहा sir. हाँ slide नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा sir. Oh. अब दिख रहा है बेटा? नहीं सर, नहीं सर, दिख रहा है सर? अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। हाँ स्लाइड दिख रहा है आप सर? यस सर, हाँ चलिए तो आगे बढ़ता हूँ मैं। यस सर, क्लियर दिख रहा है। हाँ बेटा, तो मैं क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर गेटिंग एक्यूरेट मोलकुलर मासेज बाय यूजिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड about the colligative property, in which we have learnt how to calculate the molecular masses of the solute using these four colligative property. Now I am asking the question, what will be the necessary condition to get accurate molecular masses of the solute by using colligative properties? Question is this question is for Ravi. यस सर, हाँ बोलिए, आप ही बताइए सर। ऐसे देखिए बेटा, आई हैव टॉट यू अबाउट द नेसेसरी कंडीशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इन विच वी हैव स्टडीड दैट सॉल्यूशन शुड बी वेरी वेरी डाइल्यूट ना, इलेक्ट्रो एंड द सॉल्यूट शुड नॉट बी इलेक्ट्रोलाइट, दैट मींस इट नाइदर एसोसिएट नॉट डिसोसिएट विद द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यही सब आपका नेसेसरी कंडीशन हो जाएगा। तो अगर आपका, हाँ एक और कंडीशन बताया था मैं उसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, कि सॉलिड कैसा हो, नॉन वोलेटाइल हो, नाइदर एसोसिएट नॉट डिसोसिएट विद द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एंड सॉल्यूशन शुड बी वेरी वेरी डाइल्यूट, यही सेम कंडीशन इसमें भी हो जाएगा। अगर कोई पूछे कि राइट द नेसेसरी कंडीशन फॉर द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ये तीन कंडीशन उसमें भी लिखना है। अगर ये पूछ दे कि राइट द कंडीशन फॉर गेटिंग एक्यूरेट मोलकुलर मासेज बाय यूजिंग डिफरेंट फोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो आंसर रिमेन सेम हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। देखिए, आप कहिए कि सर कैसे हम समझें, तो देखो बेटा, अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे, जैसे NaCl ले लिए, तो NaCl को पानी में अगर हम लोग डाल दें, ठीक है, तो नंबर ऑफ आयंस घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा सर, बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। बट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड मोलकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट, वेदर इट इज डायरेक्टली रिलेटेड और इनवर्सली रिलेटेड? डायरेक्टली सर। ठीक से देखिए, इनवर्सली कैसे होगा? एक एग्जांपल मैं आपको आपके सामने रख रहा हूँ, आपके स्क्रीन पर ऑस्मोटिक प्रेशर दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना? यस सर। हाँ देखिए, हाइलाइटर में ले रहा हूँ, यहाँ पर देखिए आप, मोलकुलर मास हम लोग निकाले हुए हैं सोल्यूट का बाय यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पर देखिए MB है आपका, ये यहाँ पर पॉइंटर जो जा रहा है, देखिए उसको मैं येलो कलर से थोड़ा कलर कर देता हूँ, कलरफुल आपको दिखाई देगा, बहुत सुंदर। MB, और यहाँ पर हो गया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, दोनों में देखिए तो डायरेक्ट रिलेशन है कि इनवर्स रिलेशन है?
इनवर्स है, दैट मींस कि ये क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूलर वेट एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड टू विथ इनवर्स रिलेशनशिप ना. तो इफ द इलेक्ट्रोलाइट फॉर एग्जांपल NaCl इज एडेड टू वाटर, सर्टेनली इट विल बी आयोनाइज्ड इनटू टू आयंस कंसेक्यूटिवली. Number of ions increases and colligative property will increase. Due to increase in colligative property, molecular mass of the solid will decrease. It will be either due to Na plus ion or Cl minus ion. Are you getting? चलिए हिंदी में सुनिए. NaCl को जैसे ही पानी में डालिएगा, यह आयोनाइज कर जाएगा, दो आयंस में बदल जाएगा. नंबर ऑफ आयंस, पहले NaCl एक मॉलिक्यूल की तरह काम कर रहा था, एक सिंगल पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा था, अब दो पार्टिकल में यह टूट गया. जब दो पार्टिकल बन गया तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ने से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गया. ठीक है, अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉलिड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मॉलिक्यूलर वेट घट जाएगा. अब घट तो जाएगा, ठीक है, अगर हम लोग कैलकुलेट करने लगे तो हो सकता है उस वक्त Cl- आ जाए, तो Cl- के चलते NaCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, 35.5 आ जाएगा. हो सकता है Na+ के चलते निकलने लगे तो उसके चलते कितना हो जाएगा, 23 ग्राम आ जाएगा पर मोल के हिसाब से. तो आना चाहिए आपको कितना, 58.5 ग्राम NaCl होना चाहिए एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन चाहे तो आपका 35.5 आ जाएगा या 23 आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि यह आयोनाइज कर गया, यह इलेक्ट्रोलाइट था, इसीलिए एक्यूरेट मॉलिक्यूलर वेट कभी नहीं आएगा. इज इट क्लियर? क्लियर है? कोई ज्वाइन कर रहा है? हाँ, कोई ज्वाइन कर रहा है, ज्वाइन करा देता हूँ बेटा उसको भी. कोई ज्वाइन करना चाह रहा है? कौन है? नहीं है कोई, कोई बात नहीं है. हाँ बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन जो मैं पूरा जो भी पोर्शन पढ़ाया वो क्लियर है? यस या नो में जवाब दीजिए. रवि? यस सर, बोलिए. अभी जो मैं पढ़ाया, आवाज साफ साफ नहीं आ रहा सर. हाँ, क्या चीज बेटा? आवाज साफ साफ नहीं आ रहा. आवाज आप लोग? यस सर, बहुत रुक रुक कर आ रहा है. नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है बेटा. बेटा फोन बंद करो. हाँ हेलो, आवाज अब आ रही पूरा क्लियर? yes, चलिए फैन बंद कर दिया. yes, sir, क्लियर मिलेगी. ठीक है, तो देखिए अभी मैं ये पढ़ाया कि जैसे NaCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होना चाहिए, 58.5 होना चाहिए. पानी में डाल देंगे, नंबर ऑफ आयंस कितना होगा, जस्ट डबल हो जाएगा. NaCl एक सिंगल पार्टिकल की तरह, एक मॉलिक्यूल की तरह बिहेव जहां कर रहा था, पानी में आने के बाद यह दो आयंस में बदल गया. नंबर ऑफ आयंस बढ़ने से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई. और जब मॉलिक्यूलर वेट निकालने लगेंगे तो चाहे तो Cl- के चलते आ जाए या Na+ के चलते मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा. जब Cl- के चलते आएगा मॉलिक्यूलर वेट, तो कितना हो जाएगा, 35.5 हो जाएगा. Na+ के चलते निकलेगा तो 23 ग्राम आ जाएगा पर मोल. ठीक है, तो कहने का मतलब कि अगर हम लोग किसी भी सॉल्यूट का एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर एक्यूरेट मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो वह आपको इलेक्ट्रोलाइट नहीं होना चाहिए. ठीक है, मतलब कि यह सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट या डिसोसिएट इसको नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मतलब कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही होना चाहिए. हाँ बेटा बोलो. कोमल एक्सेप्ट करने बोल रही है. कोमल लेट क्यों हो गई भाई? ठीक है, मैं रुकता हूँ, कोमल को एक्सेप्ट करता हूँ. चल कोमल, लेट थी बाय द वे, नाश्ता 7 बजे ही खा करके बैठा करो. चलिए, तो अब सपोज कि एसिटिक एसिड ले लिए. एसिटिक एसिड जैसे ही लीजिएगा, पानी में डालिएगा, या एसिटिक मॉलिक्यूल हम लोग ले लें, तो एसिटिक एसिड जो होता है डाइमराइज कर जाता है. क्या हो जाता है? डाइमराइज कर जाता है. तो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट जितना होना चाहिए उतना नहीं आएगा, दो मॉलिक्यूल्स के चलते आएगा. तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया, बढ़ गया. क्यों? क्योंकि पहले दो मॉलिक्यूल्स था तो दोनों अलग अलग बिहेव कर रहा था, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा थी. अब हम लोग जब उसको एक साथ ले लिए, वाटर में हम लोग डाल दिए, तो अब होगा क्या आपको कि उसमें यूनाइट कर गया. यूनाइट करके एक सिंगल मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करने लगेगा, एक सिंगल पार्टिकल में बदल गया डाइमराइज करने का. डाई मतलब दो, अमर मने यूनिट, दो यूनिट में बदल गया. तो दो, ये दो मिल करके दोनों एक यूनिट में बदल गया. जब एक यूनिट हो गया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घट जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल घट गया, पहले दो था अब एक हो गया.
ठीक है, जब जैसे ही आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेगा मोलिकुलर वेट उसका क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जैसे ही दो मोलिकुल एट ए टाइम हम लोग जब कंसिडर करेंगे, ठीक है, तो मोलिकुलर वेट तो उसको ज्यादा आना ही आना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सॉलिड क्या हो गया, एसोसिएट कर गया। जब इस मोलिकुल का एसोसिएशन होता है तो मोलिकुलर वेट आपका क्या होगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। जब मोलिकुल्स ये आयोनाइज कर जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्वेंट में, तब वहां पर क्या होगा, मोलिकुलर वेट उसका घट जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आइए, जो मैं बात बता रहा हूँ वही चीज होगा। हाँ, तो देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ना, तो अगर when electrolytes are added to solvent like water, certainly there will be abnormal molecular mass, whether it will be either increased or decreased. When there will be association of the molecules, then molecular weight increases, while in the case of dissociation, number of particle increases, consequently colligative property will increase. But क्या कहा जाता है इसका, मोलिकुलर वेट जो होगा डिक्रीज कर जाएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ने की वजह से, ठीक है। तो ये मोलिकुलर मास एबनॉर्मल होगा, कब एबनॉर्मल होगा, व्हेन द मोलिकुल्स आर अंडरगोइंग एसोसिएशन और डिसोसिएशन, व्हेन द मोलिकुल्स विल बी एसोसिएटेड एमंग देमसेल्फ टू बिहेव जस्ट लाइक अ सिंगल मोलिकुल, देन देयर इज एसोसिएशन एंड नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेज, इन दैट वेरी कंडीशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीजेज एंड molecular mass increases, while in the case of dissociation number of particle increases, inevitably colligative property will increase and molecular mass will decrease. So what is the cause of abnormal molecular mass? If any will ask you what is the cause of abnormal molecular mass, then what will be your answer? Anyone? Ravi? Due to the हाँ, एसोसिएशन और डिसोसिएशन, व्हाट इज द कॉज ऑफ एबनॉर्मल मोलिकुलर मास, मोलिकुलर एसोसिएशन और मोलिकुलर डिसोसिएशन। ये जो स्लाइड है, इस जो कुछ मैं बोला सारा कुछ इसमें आपका लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ो, या कोई क्वेश्चन है माइंड में तो पूछो। हेलो, आवाज मिल रही है जी? हेलो रवि? यस सर, मिल। अखिलेश? यस सर। हाँ, आवाज मिल रही है ना? हाँ सर। चलिए ठीक है, रिस्पॉन्ड करना है पूछने पर। अब देखिए, आप पहले वाला स्लाइड में एसिटिक एसिड का एसोसिएशन दिखाया था, इस स्लाइड में देखिए KCl लिया हुआ है, तो KCl को जैसे ही पानी में डालिएगा K प्लस और Cl माइनस में बदल गया, नंबर क्या हो गया, जस्ट डबल हो गया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गया, जस्ट डबल हो गया, तब मोलर मास क्या होगा, हाफ ऑफ द एक्सपेक्टेड वेट के बराबर हो जाएगा, चाहे तो के प्लस के चलते निकल जाए या सी एल माइनस के चलते निकल जाए। तो इस चीज को दूर करने के लिए एक साइंटिस्ट थे वॉन्ट हॉप, उन्होंने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया, और जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है आपका चारों चारों में हम लोग आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वेयर आई इज वॉन्ट हॉप फैक्टर ना। यहाँ पर आप देखिए, आपका एक मैं यहाँ पर मैं देख लाता हूँ आपको, देखिए चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, चार में से यहाँ पर तीन ठो लिखा हुआ है, चौथा मैं नहीं लिख पाया हूँ, ठीक है, छूट गया होगा लिखते वक्त। तो देखिए पहला है आपका क्या होगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसका फॉर्मूला याद है? सर हाँ बोलिए। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन माइनस वेपर प्रेशर ऑफ दिस प्योर सॉल्वेंट बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, इक्वल टू, हां यस, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, उसी में आई से मल्टीप्लाई कर देंगे वन टॉप फैक्टर से। उसी तरह से देखो यहाँ पर तुम्हारा क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो इसमें देखो एक आई से मल्टीप्लाई कर दिए। दूसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसमें भी हम लोग क्या किए, आई से मल्टीप्लाई कर दिए। चौथा हो गया तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर में भी क्या किए, सिर्फ आई से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, वेयर आई इज वन टॉप फैक्टर। और सीबीएसई के जब क्वेश्चन बैंक सोल्व करोगे तो देखो कम हो तो कम 20 बार पूछ चुका है व्हाट इज वन टॉप फैक्टर, ठीक है। तो वन टॉप फैक्टर क्या है, इट इज ए रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास टू एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है।
विथ रिस्पेक्ट टू मोलकुलर वेट। मोलकुलर वेट के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग डिफाइन कर दें वन टॉप फैक्टर को, ठीक है, तो व्हाट इज वन टॉप फैक्टर? तो इट इज ए रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलकुलर मास टू दैट ऑफ ऑब्जर्व्ड मोलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखो। यस सर। ठीक है बेटा, अब देखिए आगे आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में अगर हमको डिफाइन करना हो किस चीज का, किस चीज को, तो वन टॉप फैक्टर को, तो कैसे डिफाइन होगा? तो आप, मैं पढ़ा चुका हूं या आप जान रहे हैं ऑलरेडी कि मोलकुलर मास और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, तो नॉर्मल मोलर मास जहां पर हम कह रहे हैं डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व मोलर मास, ठीक है, जस्ट उल्टा हो जाएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में। क्या कहेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में कैसे वन टॉप फैक्टर आपका डिफाइन होगा? इट इज रेशियो ऑफ एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू दैट ऑफ नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ना देखिए नेक्स्ट स्लाइड में जो मैं बोला वही नेक्स्ट स्लाइड में है आपका। I इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड ऑब्लिक एबनॉर्मल मोलर मास, और अगर हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफाइन कर देंगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाई नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और इसी साल यहाँ पर बोर्ड में क्वेश्चन पूछा था यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन इतना आसान नहीं पूछा था, आसान तो था जरूर लेकिन उसको जिलेबी की तरह उलझा दिया था, मतलब इतना टफ लैंग्वेज उसमें डाल दिया था कि आपको समझ में नहीं आता। जो बच्चे होशियार थे बुद्धियार थे आसानी से उसको लिख दिए थे ना। अब जैसे देखो इसी चीज को देख लो, यहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं तब हम आगे बढ़ेंगे। I इज इक्वल टू नॉर्मल मोलकुलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलकुलर मास। अगर यहाँ पर एबनॉर्मल मोलकुलर मास को अगर हम बढ़ा दें, ठीक है, तो I का वैल्यू घटेगा कि बढ़ेगा? आवाज नहीं आ रहा। हाँ कैची बेटा, आवाज कट कट के आ रहा था। आवाज कट कट के आ रहा बेटा, नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। ये बेटा जियो फाइल ले आओ उठा करके, फिर जियो फाइल से कनेक्ट करने में पूरा डिसकनेक्ट हो जाएगा। ठीक तो है नेटवर्क, रहने दे बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा, नेटवर्क है आपके यहाँ, नेटवर्क का दिक्कत? अभी ठीक है सर। अभी ठीक है सर, अभी दम नहीं हो रहा। यस सर। तो देखो यस सर, अभी ठीक है। चलो ठीक है, I बराबर नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। अगर एबनॉर्मल मोलर मास बढ़ा दिया जाए तो क्वेश्चन में पूछ देता हूँ अखिलेश से, एबनॉर्मल मोलकुलर मास कब बढ़ता है, एसोसिएशन में या डिसोसिएशन में? एसोसिएशन में। एसोसिएशन में, जब मोलकुल्स विल गो अंडर एसोसिएशन देन इट्स मोलकुलर वेट विल इंक्रीज, इट विल शो एबनॉर्मल मोलकुलर मास एंड दैट विल बी इंक्रीज्ड मोलर मास। ठीक है, और इसका मोलकुलर मास जब बढ़ा हुआ होगा तो आई का वैल्यू घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। तो इफ आई इज लेस देन वन तो वह इलेक्ट्रोलाइट होगा कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा? इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, लेकिन कैसा? उसमें मोलकुलर एसोसिएशन होगा। क्या होगा? उसमें मोलकुलर एसोसिएशन बोलना पड़ेगा, जैसे एसिटिक एसिड के केस में होता है, पुअर इलेक्ट्रोलाइट है हालांकि, लेकिन जैसे ही पानी में डालिएगा वो डाइमराइज करता है, तो मोलकुलर एसोसिएशन होगा। जब मोलकुलर एसोसिएशन हो जाएगा तो अब नॉर्मल मोलकुलर मास होगा और भी बढ़ा हुआ होगा, तो आई का वैल्यू घट जाएगा। व्हेन आई इज लेस देन वन दैट मीन्स देयर इज मोलकुलर एसोसिएशन। अब आइए, अगर एबनॉर्मल मोलकुलर मास कम हो, ठीक है, एबनॉर्मल मोलकुलर मास कम हो तो आई का वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन वन। हाँ, ग्रेटर देन वन होगा। अगर आई का वैल्यू आपका एबनॉर्मल मोलकुलर मास अगर कम हो तो आई का वैल्यू बढ़ जाएगा। जब आई का वैल्यू बढ़ा हुआ होगा तो इन ग्रेटर देन वन आएगा तो वह इलेक्ट्रोलाइट होगा, मतलब कि मोलकुल्स विल डिसोसिएट इन द सोल्यूशन, मोलकुल्स सोल्यूशन में डिसोसिएट होगा। ठीक है, और अगर I का वैल्यू, इफ I इज इक्वल टू वन, तो अगर I का वैल्यू अगर वन हो जाए तब क्या होगा उसमें? वह नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, मतलब कि नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वह शो कर रहा है। चलिए ये जो आज अभी जब जहां तक मैं अभी पढ़ाया हूं आपको, क्वेश्चन पूछिए यहां से। चैटिंग नहीं कीजिए, आपके चैटिंग की आवाज यहां पहुंच रही है। हाँ जी सर, आइसोटोनिक हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक
सोल्यूशन नहीं पढ़ा है सर। अच्छा चलिए बेटा, मैं उसको डिस्कस कर ही दूंगा, ठीक है, चिंता नहीं करें आप। पहले आज जो भी पढ़ाया स्लाइड उससे पूछिए क्वेश्चन, क्लियर है कि आगे बढ़ूं पर सीधे ऑस्मोटिक प्रेशर पर आपके क्वेश्चन का आंसर दूं। सुन रहे हो जी? क्लियर है सर। चलो तब ठीक है, ठीक है सर। इसका क्वेश्चन था, इसका क्या नाम है, रंजन डेरियनसन, इसका क्वेश्चन था कि सर ये आपने एक दो तीन पॉइंट छोड़ दिया, कौन कौन, आइसोटोनिक, इसके बाद हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। आइसो मींस क्या होता है? आवाज नहीं आ रही है? आ रहा है सर, आवाज बहुत नजदीक आने से आवाज मिल रही है। यस सर। चलिए ठीक है, नहीं चल रहा ये बेटा, ले आओ। हाँ जी, तो आप सुनिए था क्या चीज है उसका, आइसो मीन सेम, ठीक है। अगर कोई दो सॉल्यूशन बनाए, सपोज कि डेहरियनसन बनाया एक सॉल्यूशन, ठीक है, अखिलेश बनाया दूसरा सॉल्यूशन, और अखिलेश का अगर हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर किए और सपोज कि उसका वैल्यू एक्स आया, और रंजन डेहरियनसन जो सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, उसका हम लोग ये क्या कहा जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करने लगे, तो अखिलेश के रिस्पेक्ट में उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम आया, ठीक है, तो ये हो जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। किसका? रंजन कुमार का सॉल्यूशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। और अगर दोनों के सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल आ गया तो वह क्या हो जाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहला जाएगा। और एक वर्ड आता है हाइपर, हाइपर मैंने बढ़ा हुआ ना। अगर डेहरियनसन रंजन का बनाया हुए सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो अखिलेश के ऑस्मोटिक प्रेशर से, मतलब कि उसके बनाया हुए सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो वह कैसा क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक कहलाएगा। आवाज नहीं आ रही है? अच्छा रुको, उपाय लगाता हूं। नॉन एकल सॉल्वेंट क्या होता है? हेलो, अब आवाज आ रही है जी? यस सर, ये तो आ रहा है। हाँ, क्लियर आ रही है कि कट कट के भी आ रहा है? क्लियर है सर। हाँ चलिए ठीक है, अब हेडफोन लगा लिया हूँ। सर नॉन एक्वस सॉल्वेंट सर क्या होता है सर? ओह चलो ठीक है, कौन ये अमित कुमार का क्वेश्चन है? चलो ठीक है, तब सुनो, एक्वा मींस पानी, पानी में बनाया हुआ कोई सॉल्यूशन हो तो एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे, अदर देन पानी हो, अदर देन वाटर हो तो नॉन एक्वस कहेंगे। हाँ, नॉन एक्वस का एग्जांपल सुन लो आप, पूरा जब सॉल्वेंट पूरा आंसर सुन लो तब पूछो, फिर एक क्वेश्चन का आंसर सुन लो। एक्वस मतलब पानी, एक्वा मीन्स पानी होता है। अगर पानी में ये वाटर में आप कोई भी चीज बना लेते हैं सोल्यूशन, यानी सोल्वेंट हो वाटर आपका, तो वह एक्वा सोल्यूशन कहलाएगा। अदर देन वाटर अगर हो तो वह नॉन एक्वा सोल्यूशन होगा। जैसे अल्कोहल में बना दिए, बेंजीन में बना दिए, ठीक है, इथर में बना दिए, तो वह आपका नॉन एक्वा सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्वेंट हम बोले थे सर। हाँ सॉल्वेंट बोले थे, तो अल्कोहल हो गया एक सॉल्वेंट, नॉन एक्वस बिना पानी वाला, ठीक है, बेंजीन हो गया सर। तो एसोसिएशंस जो होता है एसोसिएशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट में क्यों होता है? टेक्स्ट प्लस लेट एसोसिएशन जो होता है नॉन एक्वस सॉल्वेंट में टेक्स्ट प्लस लेट, ठीक है, एसोसिएशन उसी में होगा जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बने, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो आयनाइज हो जाएगा उसमें एसोसिएशन नहीं होगा। अब जैसे एसिटिक एसिड है, तुमको डाइमराइज कर जाएगा, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, ठीक है, तो वहां पर तुम्हारा एसोसिएशन हो जाएगा। मेन कॉज क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द मेन कॉज फॉर ये मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये तो अभी बताया, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक एक ही चीज को कितने बार पूछोगे, ठीक है भाई। सर बताएं, लेकिन बोल रहे हैं कि एक सॉल्यूशन से दूसरे के रिस्पेक्ट में। हाँ अब ऐसे चलो, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, एक क्वेश्चन किसका था, अमित का था या अंकित का था, किसका क्वेश्चन है? अंकित रंजन। अंकित रंजन का, ठीक है। अंकित रंजन नाटा है या लंबा है? तो
तुरंत तुमको क्वेश्चन जाएगा माइंड में, सर किसके रिस्पेक्ट में, ना अमिताभ बच्चन के रिस्पेक्ट में क्या सर? हाँ अमिताभ बच्चन के रिस्पेक्ट में नाटा हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा कम होगा। और अगर वही ले लो कोई लिली पुटियन, राजपाल यादव, राजपाल यादव को ले लो तो उसके रिस्पेक्ट में बहुत लंबाई हो जाएगा। तो ये हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, ये कंपेरेटिव वर्ड है, किसी से हम लोग कंपेरिजन कराएंगे, ठीक है। दो सॉल्यूशन अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो तो आइसोटोनिक कहलाएगा, और कोई स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग को नोन हो उसके रिस्पेक्ट में अननोन सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर कम हो तो हाइपोटोनिक कहलाएगा, और स्टैंडर्ड ऑस्मोटिक प्रेशर वाले सॉल्यूशन वाले ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर नए वाले जो ऑस्मोटिक प्रेशर है जो अननोन वैल्यू है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, कम हो तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। क्लियर है? क्लियर है, आवाज आ रही है अब ठीक से? यस सर, यस सर। चलिए ठीक है भाई, अखिलेश की भी आवाज तो आ रही है, मेरे कानों में गूंज रही है। चलिए तो ये आपका एक टॉपिक आपका फिनिश हो गया, नॉर्मल और एबनॉर्मल मोलिकुलर मास, वन टॉप फैक्टर भी मैं पढ़ा दिया, ठीक है। इसके बाद आइए कुछ पोर्शन आपका और छूटा हुआ है ना, सोल्युबिलिटी ऑफ, हालांकि स्लाइड पर दिख रहा है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इससे पहले मैं एक टॉपिक डिस्कस करना चाहूंगा, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। अब आइए डिस्कस करते हैं कि सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो एक फैक्टर हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं, कौन सा फैक्टर था? सिमिलिया से मिलीबुस सोल्वेंटर, दैट मीन्स लाइक डिजॉल्व्स, लाइक डिजॉल्व्स ना, दैट मीन्स कि द पोलर सब्सटेंसेज, आयनिक सब्सटेंसेज आर सोलुबल इन आयनिक सॉल्वेंट, वाइल नॉन आयनिक नॉन पोलर सब्सटेंसेज आर सोलुबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। दूसरा फैक्टर होता है आपका टेम्परेचर, सिंस द कॉम्बिनेशन, सिंस द एसोसिएशन बिटवीन द सॉलिड सॉल्यूट विथ वाटर इज एन इंडोथर्मिक प्रोसेस कंसिक्वेंटली ऑन हीटिंग ना, इट्स ये सोलुबिलिटी विल इंक्रीज। जब हम लोग किसी सॉलिड को पानी में डालते हैं तो यह एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंड अकॉर्डिंग टू लीक शतालीय प्रिंसिपल व्हाट विल हैपन व्हेन एनी प्रोसेस इज इंडोथर्मिक एंड इन व्हिच हीट एनर्जी इज गिवन और सप्लाइड, वेदर इट विल इंक्रीज और डिक्रीज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन? इंक्रीज करेगा। बिल्कुल सही आपका जवाब है। एक्चुअली होता क्या है आपका, व्हेन द सॉलिड सब्सटेंसेस आर एडेड टू वाटर this process shows endothermic endothermicity, heat energy will be absorbed, consequently it is an endothermic process, that is why on heating such type of solution solubility of the solid will increase. Is it clear now? Yes sir. चलिए तो यही सब एक related question मैं दे रहा हूँ। When Glauber salt, that is Na2SO4 10H2O, what is Glauber salt? Sodium sulfate decahydrate Na2SO4 10H2O is dissolved in water. Initially its solubility increases up to 32.3 degrees Celsius, but after achieving this temperature, further increasing the temperature after 32.3, its solubility decreases. Why so? This question is for Anurag Thakur from बेगूसराय। वो सर उसका चेंज हो जाता है Na2SO4 10H2O से Na2SO4 में, एक सॉलिड फॉर्म से दूसरे सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है। बिल्कुल सही ना, बिल्कुल सही आंसर है। इसको हम लोग बल्कि थोड़ा सा और थोड़ा सा खूबसूरत अंदाज में उसको पेश कर देते हैं ना, क्या कहेंगे हम लोग, सिंस द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, solubility of solid in liquid increases on increasing the temperature as it is endothermic process up to 32.3 degree Celsius, the solubility of Glauber salt also increases as it is in hydrated form on the process is endothermic, but after this temperature it becomes anhydrous and process becomes exothermic, that is why on increasing the temperature after 32.3 degree Celsius its solubility decreases. Is it clear now? Yes. ना इसमें ही याद रखना है कि ग्लोबर सॉल्ट आपका हाइड्रेटेड सॉल्ट है, 10 मोलकुल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसमें प्रेजेंट है, जब उसको हम लोग हीट करते हैं
तो 32.3 डिग्री सेल्सियस तक यह एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, उसके बाद वह अनहाइड्रेटेड हो जाता है। अनहाइड्रेटेड होने की वजह से वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक में बदल जाता है, इसीलिए सोलिबिलिटी उसकी घट जाती है। ठीक है, तो दूसरा फैक्टर हम लोग ये पढ़ ही लिए और पहले भी हम लोग वो वाला डिस्कस कर चुके हैं, लाइक डीजल्स लाइक वाला। अब आइए हम लोग आते हैं गैस पर। ठीक है, सोलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, तो पहला हो गया नेचर ऑफ गैस, दूसरा हो गया नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और तीसरा हो गया टेम्परेचर, और चौथा हो गया प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। और यहाँ पर आपका कुछ ना कुछ रिलेशन है, किसी केस में इनवर्स रिलेशन होता है तो किसी किसी में डायरेक्ट रिलेशन होता है। आइए हम लोग सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, नेचर ऑफ गैस। देखो कुछ गैसेज ऐसे होते हैं जो पानी में क्या होंगे, हाईली सोलबल होते हैं, जैसे अमोनिया गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, HCl गैस। ठीक है, ये सब वाटर में हाईली सोलबल होते हैं। और कुछ गैसेज ऐसे होते हैं जो विच आर लेस सोलबल और अप टू ए स्मॉल एक्सटेंट सोलबल होता है, जैसे नाइट्रोजन गैस को ले लो, ऑक्सीजन गैस को ले लो, हीलियम को ले लो, अप टू ए स्मॉलर एक्सटेंट दीज आर सोलबल इन द वाटर। वाइल NH3, सल्फर डाइऑक्साइड, HCl दीज आर हाईली सोलबल इन वाटर। तो ये गैस के नेचर है। ठीक है, तो नेचर है और नेचर के वजह से वो कुछ ज्यादा सोलबल था, ये कम सोलबल है। तब क्वेश्चन उठता है यहाँ से कि व्हाई NH3 और SO2 और HCl आर मोर सोलबल इन वाटर। दिस क्वेश्चन इज फॉर किसे पूछ लूं मैं, उपो क्लास कर रहा है कि नहीं जी, चंद्रकांत? नो सर। चंद्रकांत के अलावा अभी ये क्या कहा जाता, अखिलेश के साथ एक लड़का परवीन बैठता था, हाँ परवीन क्लास कर रहा है कि नहीं? आज नहीं है। आज नहीं है, चलो तब अखिलेश तुम बच गए, तुम ही बताओ व्हाई NH3 SO2 एंड HCl आर मोर सोलबल इन वाटर। इजीली डिसोसिएट हो जाता है वाटर में। अच्छा देखो, आयनिक फॉर्म में आ जाएगा। SO2 किस आयन के फॉर्म में बदलेगा, या NH3? ना ionizable है NH3, तो HCl आपका मान लिया थोड़ा देर तक कि चले पानी में डालने से ionize करेगा, लेकिन SO2 या NH3 तो ना ionizable molecules है। Question passes to रवि। पता नहीं सर, नहीं जानते। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर। हम किससे पूछ ले, सुनिधि? सुनिधि, आर यू देयर? सर हाईली पोलर होता है। पोलर होता है, पोलरिटी के कारण सर। हाँ, ये तो हम मान सकते हैं। ठीक है कि NH3 भी पोलर मॉलिक्यूल है, SO2 भी पोलर है, HCl भी पोलर है। एक्चुअली बेटा दे डायरेक्टली रिएक्ट विद द सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल से आपको रिएक्ट कर जाता है। NH3 किस चीज में बदल जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाएगा। SO2 आपका सल्फ्यूरस एसिड में बदल जाएगा, HCl आपको खुद आयोनाइज कर देगा, हाइड्रोनियम आयन में बदल जाएगा ना। तो पोलरिटी वाला आंसर आपका सही है, व्हाई NH3 SO2 HCl आर हाईली सोलबल एज दे इंटरैक्ट विद द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, दैट इज व्हाई दीज आर मोर सोलबल इन वाटर, व्हाइल H2 N2 ये O2 हीलियम आर लेस सोलबल बिकॉज दीज आर नॉन पोलर, दे डू नॉट इंटरैक्ट विद द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। चलिए, तो जो मैं बोला हूं बस वही स्लाइड पर धीरे धीरे आ रहा है। तो रीजन क्या हो गया, बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ दीज गैसेज विथ वाटर फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरस एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड विच आर आयोनाइजेबल, दैट इज व्हाई दीज आर मोर सोलबल इन वाटर। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हम लोग। नेक्स्ट, पहला हो गया नेचर ऑफ गैस और दूसरा हो गया नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट कुछ ऐसे होते हैं, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट वही डिपेंड करेगा आपका सिमिलिया से मिली बुझ सॉल्वेंट, मतलब लाइक डिजॉल्व्स, लाइक डिजॉल्व्स जो पोलर सब्सटेंसेज होंगे पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर जाएंगे, जो नॉन पोलर सब्सटेंसेज होंगे वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर जाएंगे। ये भी आपको क्लियर हो गया। अब आ जाइए टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट, गैस को जब हम लोग किसी वाटर में डाल दें, ठीक है, तो यह कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक प्रोसेस है? बिल्कुल सही, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक सर। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर हीट एनर्जी देंगे तो क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लगेगा,
मतलब कि लो टेम्परेचर चाहिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए. सिंस द डिसोल्यूशन ऑफ गैसेज इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस दैट इज व्हाई ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इट्स सोलबिलिटी इन गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज. क्लियर है? बोलिए. यस सर. चलिए तो फिर. यस सर. ठीक है, आगे मैं बढ़ रहा हूँ. ऐसे एक पीला वाला एक आपको स्लाइड पर दिख रहा है, उस पर लिखा हुआ द मोस्ट सोलबल गैसेज आर दोज व्हिच केमिकली रिएक्ट विद द लिक्विड सॉल्वेंट. तो मैं तो बता ही चुका हूँ, ठीक है, कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर जाए वो ज्यादा सोलबल होता है वैसा गैस. चलिए तो आइए आप नेक्स्ट स्लाइड को देखिए. सर. हाँ पूछिए बेटा. हाँ सर बोले. इनर्ट गैसेस का सॉल्युबिलिटी नॉन एक्वस सॉल्यूशन में टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ता है सर, ऐसा क्यों? नॉन एक्वस गैसेज का टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? इनर्ट गैसेस का नॉन एक्वस सॉल्वेंट में टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी नहीं, ऐसा नहीं है. कोई भी गैस पानी में डिजोल्व करा दो, ठीक है, और तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो बाहर निकलने लगेगा. क्यों निकलने लगेगा? क्योंकि उसके पास एस्केपिंग टेंडेंसी हो जाएगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स का बढ़ जाएगा. हाँ, कोई ऐसा अगर गैस हो, कोई एक्सेप्शनल गैस हो तो वो दूसरी बात है, लेकिन इन जनरल होता क्या है कि गैसेज को जैसे ही पानी में डालिएगा, चाहे पहले वाला स्लाइड को आप देखिए, उसमें हम हीलियम लिए हुए हैं. क्या लिए हुए हैं? हीलियम लिए हुए हैं. एक मिनट रुक जा. देखो इसमें लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पर हम हीलियम लिए हुए हैं, ये भी एक इनर्ट गैस है तुम्हारा. हीलियम सर नॉन एक्वस सॉल्वेंट में, ठीक है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट. अच्छा, नॉन एक्वस सॉल्वेंट में बोल रहे हैं, तब वहां पर प्रोसेस चेंज हो जाएगा, ठीक है. प्रोसेस वही एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक आप याद रखिए, ठीक है, और उस पर आसानी से आंसर आपका दिला जाएगा. तो आप आइए, आप हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा, प्रेशर. पहला फैक्टर हम लोग पढ़ लिए नेचर ऑफ गैस, दूसरा पढ़ लिए हम लोग क्या नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और तीसरा फैक्टर पढ़ लिए टेम्परेचर, और चौथा फैक्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपको प्रेशर, ठीक है. आइए हम लोग दो दो यहाँ सिचुएशन लिए हुए हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है. राइट हैंड साइड में एक पिस्टन लगा हुआ है और सिलेंडर में वो फिट है, ठीक है, जिसमें लिक्विड है ब्लू ब्लू डॉट से दिखाया हुआ है, और गैस मोलिकुल से लिए हुए हैं वो पिंक कलर से दिखाया हुआ है. उस पर एक वेट रखा हुआ है, तो कुछ ना कुछ कंप्रेशन होगा. देखो दो ठो गैसियस मोलिकुल्स को डिजोल्व किया हुआ दिखाया हुआ है, इसमें कितने को दिखाया हुआ है आपका, दो को दिखाया हुआ है. यहां पर देखो एक गैस मोलिकुल्स हम लोग यहां पर दिखाया हुए हैं और दूसरा यहाँ पर दिखाए हुए हैं, वेट के लिए हुए हैं, तो प्रेशर हम लोग एक चीज से ही यहाँ पर एग्जर्ट कर रहे हैं. इस पर इस केस में देखो यहाँ पर वेट उतना ही है या वेट बढ़ा हुआ है? हाँ जी बोलो. बढ़ा हुआ है. जब वेट ज्यादा होगा तो प्रेशर कम एग्जर्ट करेगा कि ज्यादा एग्जर्ट करेगा? ज्यादा होगा. तो देखो सिलेंडर ज्यादा उसका सिकुड़ गया, कॉन्स्ट्रिक्ट कर गया, और जहां दो घुला हुआ था गैसियस मॉलिक्यूल से, अब देखो यहाँ पर चार ठो डॉट दिखाया हुआ है, पिंक कलर का एक, ये हो गया तुम्हारा दूसरा, ये हो गया तुम्हारा तीसरा, और ये हो गया आपका चौथा. ये चार मॉलिक्यूल्स आपका घुल गए. मतलब कि क्या कि ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर डिसोल्यूशन ऑफ गैसेज इन लिक्विड इंक्रीजेज. मतलब कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोलबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड, और लिक्विड में सोलबिलिटी के लिए वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. एंड दिस इज गवर्न्ड बाय हेनरी लॉ, और इसको हेनरी लॉ से हम लोग क्या करते हैं, गवर्न करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है. द मास ऑफ डिजॉल्व्ड गैसेज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैसेज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन. मतलब कि जितना ज्यादा जो अमाउंट आपका गैस का डिजॉल्व हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम में या किस चीज पे एट अ गिवन टेम्परेचर मैंडेट, देन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा गैसेज आपको डिजॉल्व करेगा. इसका डेली लाइफ में बहुत ज्यादा अप्लीकेशन भी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स में, एयरटेड ड्रिंक्स में क्या करते हैं, आप कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के पानी में डिजोल्व कराते हैं हाई प्रेशर पर. ज्यादा प्रेशर रहेगा ज्यादा घुलेगा, ठीक है, और उसको ठंडा भी कर देते हैं हम लोग ताकि सोलबिलिटी उसका मेंटेन रहे. अगर गर्म रहेगा तो गैसेज उतना घुलेंगे नहीं, फिज आउट हो जाएगा बहुत जल्दी. तो एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ना, मास. क्या कौन सा मास? द
the mass of the dissolved gases per unit volume of the solvent is directly proportional to pressure at a given temperature, which implies m is equal to k into p. kh बल्कि कह दीजिए, m is equal to kh into p, where m is mass of dissolved gases per unit volume of the solvent, p is pressure, और kh क्या हो गया है, हेनरी ला कांस्टेंट कहलाता है. क्या कहलाता है? हेनरी ला कांस्टेंट कहलाता है. आइए अब देखिए, तो यहाँ पर हम लोगों का एक मैग्नीट्यूड हो गया. मैग्नीट्यूड k किस चीज पर डिपेंड करेगा? आपका नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, और ये यूनिट ऑफ प्रेशर हम लोग यहाँ पर देखेंगे किस में, किस यूनिट में उसको हम लोग ले रहे हैं. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ग्राफ है आपका, सोलुबिलिटी ले ली है, इक्विलिब्रियम प्रेशर लिए हुए हैं. तो डिफरेंट गैसेज का आपका स्लोप यहाँ पर दिखाया हुआ है, वेरिएशन ऑफ सोलुबिलिटी ऑफ सम गैसेज विथ इक्विलिब्रियम प्रेशर, इक्विलिब्रियम प्रेशर के साथ आपका दिखाया हुआ है. ठीक है, तो जैसे जैसे प्रेशर आप बढ़ाते चले जाएंगे, सोलुबिलिटी आपका बढ़ता चला जाएगा. अब इसको देखिए, जो हम बोल रहे थे इसको हम लोग, ये क्या कहा जाता है, हेनरी ला को हम लोग दूसरे तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, आइए हम लोग उसको देखेंगे कैसे हम लोग उसको डिफाइन करेंगे. और इच डिजोल्व इन प्रोपोर्शन टू इट्स ऑन पार्शियल प्रेशर, जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा वो ज्यादा डिजोल्व करेगा. सो हेनरी ला अप्लाइड टू इच गैस इंडिपेंडेंट टू द प्रेजेंस ऑफ अदर गैसेज. कोई जैसे उसमें और गैस, कई एक गैसेज ले लिए हम लोग, सपोज कि यहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम ले लिए, तो इसका डिजोल्यूशन जो होगा उसके पार्शियल प्रेशर, उस पार्टिकुलर गैस के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करेगा. और यह नहीं डिपेंड करेगा कौन गैस कितना उन लोग घुल रहा है कि नहीं घुल रहा है, डिजोल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है. जिसका जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा वह उतना ज्यादा डिजोल्व करेगा. ठीक है, यही है इस चीज में. अब है आपका काई ए, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए इन द सॉल्वेंट, एंड पी ए इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए. तो हम लोग इस टर्म्स में हम लोग लिख सकते हैं. देखो होता क्या है, सोलबिलिटी ऑफ गैस को, इफ सोलबिलिटी ऑफ गैस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ डिजोल्व गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर. किस गैस का कितना मोल फ्रैक्शन डिजोल्व हो रहा है उसके पार्शियल प्रेशर पर वह डिपेंड करेगा. तो पहले वाले में हम लोग रिलेशन में हेनरी ला को कैसे डिफाइन कर दिए ना, कि मासेज ऑफ द गैसेज डिजोल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर, या प्रेशर हम लोग लिए थे. अगर द यूनिट इज चेंज्ड और द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजोल्व गैसेज इन लिक्विड और इन सॉल्वेंट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, देन हेनरी ला इज डिफाइंड एज मोल फ्रैक्शन ऑफ द डिजोल्व गैसेज इन सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर. जिस गैस का जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, मतलब डिजोल्व उतना ही ज्यादा करेगा. ठीक है, यही दो तरह से हम लोग हेनरी ला को एक्सप्लेन कर दिए, मतलब डिफाइन कर दिए. आपका और ये क्वेश्चन आपको हेनरी ला एक से एक या दो बार बोर्ड में आपको पूछ चुका है. ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ. अल्टरनेटिव स्टेटमेंट जस्ट वही जो मैं बताया वही है. द प्रेशर ऑफ ए गैस ओवर ए सोल्यूशन इन विच द गैस इज डिजोल्व इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिजोल्व इन द सोल्यूशन, जो बताया वही है आपका. हाँ, अब क्वेश्चन पूछता है यहां से, हेनरी ला के ये आपका लिमिटेशन क्या है. ठीक है, तो प्रेशर शुड नॉट बी हाई, इतना ज्यादा प्रेशर मत दीजिए कि गैस जबरदस्ती घुल जाए. ठीक है, प्रेशर दम ऑप्टिमम होना चाहिए, ना ज्यादा होना चाहिए ना बहुत ज्यादा कम होना चाहिए. टेम्परेचर है दूसरा फैक्टर, टेम्परेचर इज नॉट टू लो, इतना भी ज्यादा कम नहीं होना चाहिए. ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए. और गैस शुड नॉट बी हाईली सोलोबल इन द सॉल्वेंट, और गैसियस मॉलिक्यूल जैसे HCl है, पानी में डालने लगोगे सोलोबल कराने लगोगे तो उसमें तो घुल ही जाएगा, वो इंट्रैक्ट कर जाता है. NH3 ले लिए हम लोग, NH3 पानी में घुलाने लगोगे तो हेनरी ला वहां पर तुमको फेल कर जाएगा. मतलब कि गैसेज को पानी में ज्यादा सोलोबल नहीं होना है. ठीक है, और नेक्स्ट क्या हो गया फैक्टर, द गैसियस मॉलिक्यूल शुड नॉट इंटरैक्ट आइदर विद द सॉल्वेंट, वह सॉल्वेंट के साथ इंटरैक्ट नहीं करे. दैट मीन्स कि ना तो यह तो एसोसिएट हो और ना ही डिसोसिएट हो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ. इस केस में ही हेनरी ला एप्लीकेबल है. अगर एसोसिएट करने लगे या डिसोसिएट करने लगे तो हेनरी ला यहाँ पर आपका फेल कर जाता है. ठीक है, जैसे NH3 के केस में, HCl के केस में. अब आ जाइए सोलबिलिटी ऑफ, ये तो डिस्कस कर दिया इस स्लाइड को मैं, सोलबिलिटी ऑफ लिक्विड इन सॉलिड. पहला फैक्टर आपका नेचर ऑफ सॉलिड, दूसरा हो गया नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर,
एंड नॉट मच एज प्रेशर, प्रेशर पर ज्यादा यह डिपेंड नहीं करता है सॉलिड का, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं किससे, गैस वाले से पहले मैं इसको डिस्कस कर दिया, ठीक है। हेलो, यस सर, ठीक है सर, एक क्वेश्चन। हाँ बेटा पूछिए सर। एक्वेटिक स्पीशीज सर कोल्ड वाटर में रहना पसंद करते हैं लेकिन वार्म वाटर में नहीं, क्यों सर? तो यही तो हेनरी लक एप्लीकेशन में आ जाएगा, ठीक है। कैसे है उसको तुम सुनो, जैसे कोल्ड वाटर है तो गैस का सोलबिलिटी, जिसको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन कम सोलबल होगा कि ज्यादा सोलबल होगा? ऑब्वियसली ज्यादा सोलबल होगा। जब ज्यादा सोलबल होगा तो उसको लाइफ को सस्टेन करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वो मिलता रहेगा। लेकिन वार्म वाटर रहेगा आपको तो क्या होगा, ऑक्सीजन की सोलबिलिटी कम होगी। जब ऑक्सीजन कम मिलेगा तो उसको परेशानी होगी उसमें रहने के लिए। यही वजह है, यही एप्लीकेशन में आ जाता है इसका, हेनरीला का। दूसरा क्वेश्चन यहीं से बन जाता है ये कि बर्फ जम जाए अगर कोल्ड कंट्रीज में या कोल्ड रीजन में बर्फ बन जाता है, फिर भी लाइफ जो है मछली वगैरह या एक्वाटिक एनिमल जो होता है फ्लोरा फौना उस बर्फ के नीचे वाले पानी में जिंदा रहता है, ऐसा क्यों? क्योंकि लो टेम्परेचर है, आइस जब जम बन जाता है पानी तो ऊपर वो फ्लोट करने लगेगा, डेंसिटी उसका कम जाता है, ठीक है। और नीचे का पानी है उसमें ऑक्सीजन घुला हुआ है, नीचे में मछली या कोई भी है तुम्हारा एक्वाटिक एनिमल जो है से उसमें रहने लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत उसको नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट, ठीक है। चलिए yes, तब अब मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ, आप लोग पूछ लिए, अब मैं पूछता हूँ। जैसे सी डाइवर जो होते हैं पानी में जब गोता लगाने के लिए वो जाते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं, ठीक है। तो और जब ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं और गोता लगा करके अंदर से समुद्र के नीचे से मछली पकड़े या शिप निकालें या मोती निकालें, ठीक है, निकालने के बाद जब ऊपर आते हैं तो कभी कभी उनका डेथ हो जाता है, ठीक, ऐसा क्यों? पानी में जितना नीचे जाएंगे प्रेशर उतना बढ़ेगा, और तो अचानक ऊपर आते हैं तो प्रेशर बैलेंस नहीं हो पाता है, ऊपर प्रेशर कम है। चलिए अब सुनिए, व्हेन द सी डाइवर्स विल डाइव इन द डीप ऑफ द सी वाटर, ठीक है, एज दे विल मूव इनसाइड द सी वाटर एब्रप्टली द प्रेशर ऑफ द वाटर विल इंक्रीज, ठीक है, कंसिक्वेंटली द सोलबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन गैसेज और द गैसेज विच आर केप्ट इन द आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी सिलेंडर विल इंक्रीज इन द ब्लड, कंसिक्वेंटली देयर सोलबिलिटी विल इंक्रीज, बट व्हेन दे विल कम आउट, व्हेन दे विल कम आउट। सर आवाज वाज नहीं आ रहा है। अच्छा आएगी आवाज, अच्छा चलो फिर से रिपीट कर देता हूँ, आवाज नहीं आ रही है तो। अब आवाज आ रही है, हेलो सर। हाँ ठीक है, बीच में एक्चुअली फोन आ गया था तो उधर मैं देखने लगा था, उसको काट दिया। हाँ जी, तो मैं ये बता रहा था कि जैसे ही डाइवर जो होगा जब डाइव मारेगा पानी में जाएगा तो पानी बहुत ढेर सारा रहेगा, पानी का प्रेशर उस पर पड़ेगा, तो गैसे जो रेस्पिरेटरी सिलेंडर में आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए वो लेकर के गया है वो ब्लड स्ट्रीम में क्या होगा, ज्यादा डिजोल्व कर जाएगा। जब ज्यादा डिजोल्व कर जाएगा, ठीक है, तो उससे तो खैर वहां तक उसको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पर होने लगेगा आपको कि जब वह व्हेन इट विल ही विल कम ना ओवर द सर्फेस ऑफ द वाटर abruptly pressure of water decreases, water का pressure abruptly क्या होगा, decrease हो जाएगा, अचानक कम जाएगा, जिसके चलते pressure कमने की वजह से solubility क्या होगा गैस का, decrease कर जाएगा, और जो blood stream में जो आपका घुला हुआ आवाज नहीं सर, आवाज नहीं आ रहा सर, आवाज नहीं आ रही है, नहीं सर, ठीक कट जा रहा है। अच्छा ठीक, चलिए बीच में फोन आ जा रहा है ना, और इसी फोन से कनेक्टेड है, जिस वक्त फोन आ रहा होगा उसी वक्त इस आदमी को मैं ब्लॉक कर दूं फिर क्या। अच्छा एक बार वेट कर लेता हूं कि समझ जाए कि क्लास ले रहे हैं। ठीक है बेटा आइए, तो फिर से इसको मैं रिपीट कर देता हूं, अभी क्लास ले रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, अभी रखिए, जब फोन काट दें तो उस वक्त नहीं उठाना चाहिए, दोबारा फोन नहीं करना चाहिए।
हाँ बेटा सुनिए, जब सी डाइवर आपको जब गोताखोर अंदर पानी के अंदर डाइव मार कर जाएगा तो पानी का प्रेशर उस पर बढ़ जाता है, जिसके वजह से ब्लड स्ट्रीम में जो रेस्पिरेटरी सिलेंडर में गैस रखे हुए होते हैं वो ज्यादा डिजोल्व कर जाएंगे, और जैसे ही पानी के सरफेस पर वो आएगा एब्रप्टली वाटर का प्रेशर खत्म हो गया, जिसके वजह से जो घुला हुआ गैस था वह उसकी सोलिबिलिटी घट जाएगी एंड दे विल फॉर्म द बबल्स और एयर ना इन द एंड इट विल इट इज वेरी पेनफुल, और यह बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, कभी कभी उसके वजह से सी डाइवर का डेथ हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन था, फिर मैं यहां से पूछ लेता हूं आपको कि जब किसी को पानी चढ़ता है या इंजेक्शन लगाया जाता है तो देखिएगा कि डॉक्टर इंजेक्शन इंजेक्ट करने से पहले उसमें से एयर बबल्स को निकाल देता है, ऐसा क्यों? या सलाइन करते वक्त किया क्या जाता है कि उसको एयर एयर बबल्स को निकाल देता है तब सलाइन चढ़ाता है, ऐसा क्यों? हाँ जी बोलो। हेलो, आवाज वाज कट रहा है पूरा। आवाज कट रहा है तो नेटवर्क तो हम नहीं ना है कि नेटवर्क तुमको बंद करके उसमें घुस जाए। अब जैसे नेटवर्क मेरे पास अवेलेबल है, चाहे तो तुम्हारे पास नेटवर्क सबके साथ ऐसा हो रहा है। हाँ तो सबके साथ ऐसा हो रहा है। तो ये सबके साथ है तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है सबका नेटवर्क। हाँ जी हेलो, सुनाई दे रही मेरी आवाज? चलिए ठीक है, इसका मतलब डेहरी ऑनसोन का नेटवर्क सही नहीं है। चलिए देखो बेगूसराय में जब नेटवर्क सही हम लोग पास भी कट कर क्या आ जाता है। हाँ तो नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं सर। हाँ बोलो, कट कट क्या आवाज आता है? अच्छा कट कट क्या आवाज आ रही है, तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है, चाहे तो मेरा नेटवर्क खराब हो या हाँ तुम्हारी भी आवाज मुझे कट कट के मिल रही है। कभी कभी तुम लोगों की आवाज सही आ रही है, कभी कभी कट कट के मेरे पास भी पहुंच रही है। ठीक है, तो ये सी डाइवर वाला क्लियर हुआ, इंजेक्शन वाला क्लियर हुआ या नहीं? ये इंजेक्शन वाला बताना है, इंजेक्शन और सी डाइवर दोनों बताना है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर है यार इसका, उसमें एयर बबल्स है, उसको इंजेक्ट कर दोगे बबल्स रहेगा वो पेनफुल होगा, जख्म भी कभी कभी काउच कर देता है वो, इसीलिए बबल्स को निकाल दिया जाता है इंजेक्शन इंजेक्शन देने से पहले। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन बनता है को ब्लॉक कर देता है। हाँ जाहिर सी बात है, बॉल्स बन जाएगा तो ब्लड का फ्लो नहीं ना होगा तो एयर फ्लो करने लगेगा ना। चलिए अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यही से पूछ लू, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर से, हाँ जैसे एक ब्लड सेल ले लिए, ठीक है, उसको हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले सेल में हम डाल दिए, सॉल्ट सोल्यूशन में सपोज के डाल दिए तो क्या होगा? हाइपरटोनिक। हाँ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम डाल दिए, एक सेल लिए और उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिए, क्या होगा? श्रिंक करेगा सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, वह श्रिंक कर जाएगा। अगर वही हम ब्लड सेल ले लिए और उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिए तो क्या हो जाएगा? स्वेल कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा सर। बिल्कुल सही, देखिए तो आवाज कितनी अच्छी रिटर्न अटर्न आप लोगों की आवाज आ रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कुछ आदमी है वो आपको शिप पर बैठे हुए हैं और जहाज पर जा रहे हैं कहीं, ठीक है, सी यात्रा पर वॉयज पर है, अचानक उन लोगों का पानी पीते पीते सारा पानी खत्म हो गया और उन लोगों के पास अब बचा हुआ है अंगूर, कुछ ऑरेंज बचा हुआ है और कुछ किशमिश बचा हुआ है, तो क्वेश्चन अब मेरा ये है यहाँ पर कि किस इंग्रेडिएंट का, किस फूड पार्टिकल का, फूड का वो यूज करें जिससे उनका वाटर लॉस नहीं हो? किशमिश सर। किशमिश कैसे यूज करना होगा, कैसे यूज करना होगा? सलाइन वाटर को सर एक पॉट में ले लेंगे, फिर उसमें किशमिश डाल देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल सही आंसर है, समुद्र के पानी में डाल। हाँ समुद्र के पानी है, सही है, तो समुद्र के पानी ले लेंगे तो क्या होगा? स्वेल कर जाएगा, ठीक है, स्वेल कर जाएगा तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सॉलिड को आने नहीं देगा और किशमिश जो है सब फुल करके बड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसको खाते रहेंगे, अपना पानी का कंटेंट वाटर कंटेंट जो है बॉडी में मेंटेन रखेगा। ठीक है, चलिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन और कुछ तो छूट नहीं ना रहा है। हाँ एक क्वेश्चन है, पहाड़ पर रहने वाले लोग जो होते हैं उनका चेहरा लाल होता है, ऐसा क्यों?
पहाड़ पर रहने वालों का चेहरा लाल होता है, ऐसा क्यों? प्रेशर सर, ऊंचाई के कारण वहां पे ऑक्सीजन का मात्रा कम होगा। बिल्कुल, ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं, ऑक्सीजन कम कम मित्र। हाँ, सच में आवाज कट कट के आ रही है। ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में सर रहता है। हाँ हाँ, जिसकी वजह से ब्लड का एक्युमुलेशन हो जाता है चेहरे पर ना। यस सर, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का ये। अब क्या, वेरिएशन ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ सम सब्सटेंसेस विद टेम्परेचर। चलिए इसको आप देख लीजिएगा, इसको हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। जैसे सोडियम सल्फेट, यानी क्या होता है सर? क्या चीज बेटा? इडेमा एक डिजीज है, ठीक है। हाँ चलिए, हाँ ठीक है, कुछ और डिजीज को मैं आपको काउंट करा देता हूँ। किसी किसी को देखिएगा, खासकर लेडीज को, कि यहाँ पर जो आर्म होता है, आर्म का मसल से लटक जाते हैं, ज्यादा झूलने लगता है, ऐसा क्यों? नहीं पता, जान रहे हैं, सिर्फ एफर्ट की जरूरत है। हो सकता है, हाँ। वाटर कम हो जाता होगा बॉडी में। अच्छा देखते हैं, ठीक है। अप्रोचिंग आंसर है, लेकिन थोड़ा सा अप्रोच करते करते अब थोड़ा सा हट गए, ठीक है। चलो अनुराग तुम बताओ। सर नहीं मालूम सर। किससे पूछ ले रवि? अलका को बायोलॉजी है। अलका? यस। अलका सिंह छोड़ के भाग तो नहीं गई? चलो कोई बात नहीं है, तो मैं क्वेश्चन का आंसर मैं ही फिर दे दूं। देखो कुछ लेडीज को देखोगे क्या, कि सबसे पहले तो हस्बैंड को खाना खिला देगी। हस्बैंड को खाना खिलाने से पता चल जाता है कि नमक कम है कि मिर्च कम है, ठीक है। इसके बाद पता चल जाएगा, आराम से खाना सब निकालेगी, नमक कम है तो ऊपर से खूब नमक छिड़केगी, कुछ कुछ कुचला वगैरह लगाएगी, खूब बढ़िया से प्रेम से खाएगी सब, ठीक है। तो होता क्या है कि नमक को जब ऊपर से औरतें छिड़क करके खाएंगी तो ये क्या कहते हैं, सॉल्ट का कंटेंट बढ़ गया उसमें, और होगा क्या कि वाटर का एब्जॉर्प्शन मसल्स में जाकर के वो ज्यादा करने लगेगा। जब वो मसल्स में जाएगा, वाटर का ये सॉल्ट कंटेंट बढ़ जाएगा, ठीक है, तो क्या करेगा, पानी का फ्लो यानी पानी का पानी वहां पर वो ज्यादा स्टोर करने लगेगा। तो आर्म के मसल्स में होता है कि पानी ज्यादा स्टोर कर लेगा वो, किसके चलते, एक्स्ट्रा सॉल्ट खाने की वजह से, जिसके वजह से होगा कि आपको मसल्स जो है लटक जाता है, खासकर लेडीज में ये पाया जाता है। चलिए ठीक है, एक और एक डिजीज होता है एस्फिक्सिएशन, ठीक है, वो ऑक्सीजन के कमी से होता है, वो भी देख लीजिएगा, थोड़ा सा एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ वगैरह। चलिए बेटा नेक्स्ट बोलिए। और ये ग्लोबल सॉल्ट वगैरह, हाँ चलिए ठीक है, ग्लोबल सॉल्ट वाला मैं डिस्कस कर चुका हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे सर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर बच गया, बताने वाले थे। एजियोट्रोपिक मिक्सचर तो उसी दिन बता दिया था, बाय द वे फिर से इसको डिस्कस कर दे रहा हूँ। एजियोट्रोपिक मिक्सचर, एजियोट्रोप का मतलब होता है बॉइलिंग एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। क्या होता है? बॉइलिंग एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। दो कंपोनेंट है, बाइनरी सोल्यूशन है, तो अगर दोनों कंपोनेंट एक साथ बॉयल करने लगे, ठीक है, सेम टेम्परेचर पर, तो वैसे मिक्सचर को हम लोग, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। अब यह दो तरह का होगा, मैक्सिमम बॉयलिंग एजियोट्रोप और मिनिमम बॉयलिंग एजियोट्रोप, ठीक है। मैक्सिमम बॉयलिंग एजियोट्रोप कब होगा, मतलब कि बॉयलिंग पॉइंट, हाँ बिल्कुल सही, मैक्सिमम बॉयलिंग एजियोट्रोप तो नाम से ही क्लियर है कि बॉयलिंग पॉइंट बढ़ा हुआ होगा। और बॉयलिंग पॉइंट कब बढ़ेगा, जब उसका बोलिए नेगेटिव होगा, टेम्परेचर उसको ज्यादा दिए बॉयलिंग पॉइंट को बढ़ाने के लिए, तो वो हो गया आपका। दूसरा हो गया मिनिमम बॉयलिंग एजियोट्रोप। मिनिमम बॉयलिंग एजियोट्रोप का मतलब क्या होगा, पहले से बॉयलिंग पॉइंट घटा हुआ होगा, तब उसमें क्या होगा बोलिए, पॉजिटिव डेविएशन होगा। पॉजिटिव डेविएशन वाला जो होगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप शो करेगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, हेनरी लॉ है, कम से कम इस पोर्शन पर न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर देना है,
बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी हेनरी लैब पर पूछा है और शायद ही कभी मिस किया, हमको तो नहीं लगता है कभी मिस किया है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन नहीं आया हो। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर आपका क्वेश्चन आना ही आना है और आता ही है। ठीक है, न्यूमेरिकल आता है यहाँ से, तो न्यूमेरिकल बनाने में आपको करना क्या है कि सबसे पहले डाटा नोट कीजिए, डाटा नोट कर दिए, एक नंबर भी आपको नहीं मिलेगा। क्वेश्चन का से रिलेटेड फॉर्मूला लिख दिए, जो क्वेश्चन पूछा न्यूमेरिकल पूछा उससे रिलेटेड डाटा, ये फॉर्मूला जैसे ही लिखेंगे कभी आधा नंबर तो कभी एक नंबर मिल जाएगा, डाटा पुट कर दिए तो फिर एक नंबर मिल गया, और फाइनल आंसर निकाल दिए तो फिर एक नंबर मिल गया, तीन नंबर वाला में तीन नंबर का क्वेश्चन अगर पूछा तो आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ऐसे आपको स्टेप वाइज सॉल्व करना है। ठीक है, आज की क्लास यही समाप्त करता हूँ, और कोई क्वेश्चन माइंड में है तो बोलिए, ये ऐसा लग रहा हो कि नहीं ये पोर्शन छूटा हुआ है तो बोलिए फिर। हाँ जी बोलो, हेलो हेलो हेलो। यस सर, तब आज बंद करो बेटा। यस चलिए, हाँ चलिए ठीक है, फिर कल हम लोग मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कल एंटर कर जाएंगे। ठीक है।